हमीरपुर जिला को सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं से जल्द निजात मिलेगी और गौओं के संरक्षण के लिए भी काम किया जाएगा। जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के खैरी गांव में 200 कनाल भूमि पर गौ सेंचुरी तैयार की जा रही है, जिसमें 1000 गौओं को रखा जा सकेगा और इस पर 4 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। ये बात हमीरपुर में पहुंचे हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष एवं प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य अशोक शर्मा ने कही। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष एवं प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य अशोक शर्मा ने हमीरपुर में बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर पशुपालन उपनिदेशक कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि सड़कों पर घूम रहे गौ वंश के लिए सरकार काफी चिंतित है और इसलिए हिमाचल में गौ सेंचुरी बनाने के लिए काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर के पास खैरी में भी 4 करोड़ रुपए की लागत से 200 कनाल भूमि में गौ सेंचुरी तैयार की जा रही है, जिसमें 1000 गौएं रह सकेंगी। प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा गौओं को पालने के लिए सरकार के द्वारा 50% अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा गौओं को चारे की जरूरत को पूरा किया जा रहा है, जिससे सड़कों पर घूम रही गौओं के संरक्षण के लिए योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। प्रदेश स्तर पे हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी, ये जो गोवंश सड़कों पे घूम रहा है इसके लिए बहुत चिंतित हैं और बहुत बड़ी योजना एक बना रखी है कि हमारे सारे हिमाचल में गौ सेंचुरीज बने और उन सेंचुरियों में 1000 से 1500 गोवंश का रहने का प्रबंध, वहाँ पे खाने का उनको व्यवस्था की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की बात करूं तो यहाँ पे खैरी में सुजानपुर के पास में करीब करीब 4 करोड़ रुपया लगा के 200 कनाल में एक सेंचुरी तैयार हो रही है। वो आने वाले 2 महीनों में लोगों को समर्पित कर दी जाएगी, उसमें गोवंश रख दिया जाएगा, उसमें 1000 गोवंश जो है वो उस सेंचुरी में, जिसको गो अभयारण्य क्षेत्र बोलते हैं, उसमें रख दिया जाएगा। गौशालाओं में पैसे की कमी रहती थी तो गौशाला वाले और गौएं रखने से परहेज करते थे, क्योंकि उन बेचारों के पास दान से जितना का पैसा आता था उतने ही गौशाला वाले गौएं रख सकते थे। अभी सरकार ने 500 रुपया, नोट बहुत ज़्यादा नहीं है ना, काफ़ी है ये 500 रुपया, लेकिन फिर भी 100 गऊ है तो 50,000 रुपया उसको हर महीने मिलेगा गौशाला वाले को, तो वो और गौएं रखने के लिए उत्साहित होगा कि 100 की बजाय मैं 150 कर दूँ। तो ऐसे गौशाला वालों को भी बोला गया है कि आप भी 50-50 गौएं और बढ़ाएं, तो सारा वहाँ खाने का प्रबंध, पानी का प्रबंध, बाउंड्री वाले बनाई गई हैं, फेंसिंग की गई है वहाँ पे, ताकि ये इधर उधर दोबारा किसान के खेत में ना जाएं। पंचायत में गौ सदन बनाने के लिए गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि जहां पर पंचायतों के पास सरकारी जमीन मिल रही है वहीं पर गौ सदन बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर पंचायत में गौ सदन बनना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए 2-3 पंचायतें मिलकर इस काम को करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या हल होगी। पंचायत वाइज नहीं बना रहे हैं, क्लस्टर करके अगर एक पंचायत में गौशाला बनाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा 10-15-20 गौएं रखेंगे, 30 जगह कम होती है। हिमाचल में फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा है, प्रदेश सरकार की ज़मीन ज़्यादा है, तो जहाँ कहीं सॉरी कम है तो जहाँ कहीं प्रदेश सरकार की ज़मीन ज़्यादा मिल रही है वहाँ पे ये गौशालाएँ, बड़ी गौशालाएँ बना रहे हैं। छोटी छोटी गौशाला में प्रबंधन में मुश्किल आती है, जो बड़ी गौशाला रहती है जब 200-300-500 गऊ हो जाती है तो उसमें प्रबंधन में फिर मुश्किल नहीं आती है, क्योंकि उसको मैनेज कर पाता है आदमी अच्छे तरीके से। 20-30 गऊओं को एक पंचायत वाले लोग, कुछ दान भी कम होता है, थोड़े लोग होते हैं, तो इसलिए हर पंचायत में मैं नहीं समझता कि इसको बनाना उचित रहेगा। 2-3 पंचायतें अगर इकट्ठी होकर बनाए तो ज्यादा उसमें संभावना रहती है अच्छी सेवा होने की।